गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम क्लास एट्थ का जो इंग्लिश का नेक्स्ट है उसको पढ़ेंगे। कल आपने पहले पढ़ लिया था पोइम के बारे में, अब हम अबाउट द पोइट, पोइट के जो कवि हैं उनके बारे में जानेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसका नाम था ला बैली डैम सेंस मर्सी इज रिटन बाई जॉन कीट्स। जॉन कीट्स अगर इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश कि उसमें पोइम के क्षेत्र में आप देखें, बहुत बड़ा नाम है। अबाउट द पोइट, जॉन कीट्स वाज बॉर्न इन लंदन। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लंदन में इन 1795 में। ही वाज द सन ऑफ प्रॉस्पेरियस स्टेबल कीपर। जो ये पुत्र किसके थे? एक प्रॉस्पेरियस स्टेबल कीपर था, मतलब घुड़साल का जो रक्षक था, घुड़साल का, उसके बेटे थे। वंस ही फेल इन, इसको स्टेबल मीन्स होता है अस्तबल। वंस ही फेल इन लव विद ए फ्रेंच गर्ल नेम्ड फैनी ब्राउन। फिर ये किससे लव करने लगे? एक फ्रेंच लड़की थी, उसका नाम था फैनी ब्राउन। बट गॉड सोरो एंड डिजेक्शन, लेकिन इन्हें क्या प्राप्त हुआ? दुख और उदासी। ही लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ मैजिकल रोमांस। वह किस में रहने लगी? एक तरीके से मैजिकल, मतलब जादुई रोमांटिक दुनिया में रहने लगी। ही वाज वेरी सेंसुअस एंड ट्रू वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। वो बहुत ही सेंसुअस और वर्शिपर, मतलब पुजारी थे किसके? ब्यूटी के। ही डाइड एट ए वेरी यंग एज 25 इन 1821। और उनकी डेथ कब हो गई? 1821 में। मतलब उन्होंने कितनी आयु प्राप्त की है? मुश्किल से 26 साल। लेकिन उन्होंने इस 26-27 साल में जो अपना नाम कमाया है वो बहुत ही बड़ा है, जो कि लोग वर्षों में नहीं अचीव कर पाते हैं। अब हम देखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। द पोइम ला बैली डैम सेंस मर्सी इज बाल्ड। ये क्या है? एक प्रेम गीत है, एक गाथा गीत है। इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? दो पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा द क्वेश्चन इन द फर्स्ट थ्री स्टैंजास। जो शुरुआत के तीन स्टैंजा आपने पढ़े थे उसमें क्या है? क्वेश्चन है एंड आंसरिंग इन द फॉलोइंग लाइन्स, और उनकी फिर आंसर है। द पोइम इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ कीट्स रोमांटिक इमेजिनेशन। जो ये पोइम है, जो ये कविता है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण किसका? जो कीट्स की रोमांटिक इमेजिनेशन, जो मतलब रोमांटिक जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है उसका। द टाइटल ऑफ द पोइम मीन्स, इस जो कविता है उसका जो टाइटल है उसका मतलब है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। एक मतलब बहुत ही सुंदर लड़की, विदाउट मर्सी, बिना दया के। देयर इज ए नाइट एट आर्म्स। जो इसमें नाइट एट आर्म्स हैं वो कौन है? हु फेल इन लव विद ए ब्यूटी ब्यूटीफुल लेडी वाज डिजेक्टेड। जो इसमें नाइट किसको बोला जाता है? योद्धा को। वो एट आर्म्स, जो मतलब अपने हथियारों से सुसज्जित है। हु फेल इन लव, किस में? ये ब्यूटीफुल गर्ल के लव की कहानी है। वाज डिजेक्टेड, और बाद में उसको क्या? उदासी होती है। द नाइट इज कीट्स, जो नाइट है का माना जाता है कि वो उन्होंने कीट्स हिमसेल्फ, उसमें कीट्स ने अपने को स्वयं को रखा है। एंड द ब्यूटीफुल लेडी इज फैनी ब्राउन, और जो ब्यूटीफुल लेडी है वो कौन है? फैनी ब्राउन। अब इसकी कुछ वर्ड मीनिंग है, आपको ये लर्न करना है और नोट डाउन भी करना है। फर्स्ट है ला बैली डैम सेंस मर्सी, इसका मतलब आपको बताया गया है ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। नाइट एट आर्म्स, नाइट इज ए मिलिट्री रैंक एंड द पर्सन इज फुल्ली आर्म्ड, मतलब जो कि एक मिलिट्री की रैंक है। एंड दिस पर्सन इज फुल्ली आर्म्ड, जो कि हमेशा किसी सुसज्जित रहता है अपने हथियारों से। एल दी मीस होता है गिव यू सोरो, मतलब दुख देना। पेलली मीस होता है लुकिंग पेल, लुकिंग पेल का मतलब हुआ कि मतलब पील, वह कैसा दिख रहा है? पीला। लॉयटरिंग मीन्स होता है वांडरिंग एमलेसली, जिसका कोई ध्येय ना हो ऐसे ही वांडरिंग कर रहा हो। सेज मीन्स होता है एक ग्रास लाइक प्लांट। विदर्ड मीन्स होता है ड्राइड अप, ड्राइड अप मीन्स होता है सूखा। हैगार्ड मीन्स होता है लुकिंग टायर्ड एंड वरीड, वह कैसा दिख रहा है? थका हुआ एंड चिंतित। वो बीगॉन एक्सट्रीमली सैड। ग्रैंडी स्टोर हाउस
फॉर ग्रेन, ग्रेनरी किसको कहते हैं, जो अनाज रखने का स्टोर हाउस होता है। डन रीप्ड, रीप्ड मीन्स होता है प्राप्त करना या काटना। फिर है हमारा ब्रो, ब्रो मीन्स होता है फोर एट। एंग्विश मीन्स होता है मेंटल सफरिंग, मतलब मानसिक रूप से जो सफ़र कर रहा है। विद सफ़र, चलने फिरने को मत समझना, सफ़र मीन्स होता है कोई उसको परेशानी है, उसको वो झेल रहा है। नेक्स्ट है हमारा विदर्थ मीन्स होता है फेडिंग, अब मुरझाता हुआ। मीट्स मीन्स होता है मीडोज, मीडोज मीन्स चारागाह, ग्रासी फील्ड। वाइल्ड मीन्स होता है पैशनेट, पैशनेट मीन्स होता है भावुक कामुक। फ्रेग्रेंट मीन्स होता है स्वीट स्मेलिंग, फ्रेग्रेंट मीन्स होता है स्वीट स्मेलिंग। जॉन ई ग्रिडल ऑफ फ्लावर्स। मून मीन्स होता है लो साउंड एक्सप्रेसिंग लव, मून मीन्स होता है लो साउंड में, बहुत ही हल्की आवाज़ में एक्सप्रेसिंग लव, अपने प्यार का इजहार करना। पेसिंग, वॉकिंग स्लोली, पेसिंग मीन्स होता है पेस, पेसिंग स्लोली मतलब टहलना स्लोली। स्टीड मीन्स होता है हॉर्स। फाउंड मीन्स होता है अरेंज्ड फॉर मी। रेडिश स्वीट मीन्स होता है ऑफ स्वीट टेस्ट। मैनड्यू मीन्स होता है ड्रॉप ऑफ काइंड्स ऑफ डिवाइन फूड। एल्फिन ग्रॉट, मिस्टीरियस एंड सुपर नेचुरल केव, ये क्या है, मिस्टीरियस रहस्यमयी और सुपर नेचुरल, मतलब सुपर नेचुरल का आप हमको सेंड करके बताइए, हिंदी दिमाग से निकल रही है। फुल सोर, वेरी बिटरली। इल्यूड मी ए स्लीप, मेड मी स्लीप बाई सिंगिंग, वह कैसे सुनाती है, सिंग गाने के माध्यम से। वो विटाइड, सैड एंड पेनफुल एक्सप्रेशन, दुख और कष्ट के साथ में जो एक्सप्रेशन है उसको। पेल मीस होता है सैड। थ्रेल मीस होता है स्लेबरी, स्लेबरी मीस होता है दास, दास बनाना। स्टार मीस होता है ड्राइड अप, सूखा। ग्लूम मीस होता है नाइट, एज डिम एट एज इवनिंग ट्विलाइट। होराइड मीस होता है फियरफुल, डरावना। गैप्ड वाइड मच ओपन। नेक्स्ट है आपका सोजर्न, टेम्परेरी स्टेइंग, कहीं पर मतलब कुछ समय के लिए ठहरना, परमानेंट नहीं। लॉयटरिंग होता है, ये पहले भी आई है, वांडरिंग एमलेसली। अब इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा, आपका वर्क ये है इसको टू टाइम्स सुनना है, और इसके बाद इसकी जो वर्ड मीनिंग है उनकी हिंदी, किससे जो हिंदी इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है उसको, जो भी आपको मीनिंग नहीं समझ में आती है उसको नोट डाउन करना है। इसके आगे आपको फिर रीडिंग कंप्रिहेंशन कराए जाएंगे। और सभी स्टूडेंट से यही कहना है कि हमारा कि अपना आप अपना बैग कंप्लीट कराइए, और डेली रूटीन में जैसा कि स्कूल में पढ़ते हैं ऐसे ही घर पे आप स्टडी को अपने बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। इसी के साथ ये आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।